students, welcome to my YouTube channel Learning English is with Hariram Joshi. आज हमने We Are the Future ये chapter first है, poem है, class 12th की workbook में. Workbook से class 12th में 12 marks के questions आते हैं. Workbook में जो poem दी गई हैं, 6 poems हैं और 12 prose unseen दी गई हैं, unseen passages दिए गए हैं. तो उनमें से जो है questions आते हैं, दो-दो नंबर के चार प्रश्न करने के लिए आते हैं और एक चार नंबर का आता है. तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें एक poem दी गई है, We Are the Future. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस poem को. इस poem को लिखने वाले We are the future. इस poem को लिखने वाले हैं, ये a song है by Sonia Shirsat. इन्होंने ये poem या song लिखा हुआ है. We are the future. हम भविष्य हैं. अब हम देखते हैं आगे. आप अपनी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो निकाल के रख लें और फर्स्ट चैप्टर में जो poem दी गई है We are the future उसे सामने रखें. नहीं है तो ये स्लाइड पर हम जो आपके सामने पोएम प्रस्तुत कर रहे हैं उसे आप देखते चलें. सबसे पहले पहली लाइन है Not just you or, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, Not just you or, Not just he or she, but we. यहां कभी ये बताना चाहता है कि you, he, she नहीं बल्कि we. यहां यूनिटी की पावर बताई जा रही है कि भई ये काम मैंने किया, ये काम उसने किया, ये काम तुमने किया, ये इससे काम नहीं चलेगा, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं. तो यहां वो यूनिटी की पावर बता रहा है, एकता में कितनी शक्ति होती है. सो ही सेइंग, द पोएट इज सेइंग, नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी वर्क एज अ टीम. टीम की तरह ही शी यू काम नहीं कर सकता, आई काम नहीं कर सकता. जब हम टीम की तरह काम करते हैं तो हमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है वो होता है वी वर्क एज ए टीम. हम सब मिलकर ही एक टीम की तरह काम कर सकते हैं. वी लिव बाय आर क्रीड. क्रीड का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है क्रीड, a set of principles or religious beliefs. मतलब कुछ सिद्धांत, कुछ धार्मिक विश्वासों का एक समूह, एक सेट होता है, उसे हम जो है क्रीड कहते हैं. हिंदी में आप कह सकते हो मत या विचार या पंथ. तो वी लिव बाय आर क्रीड. हम अपने जो प्रिंसिपल सेट है, हमारे रिलीजियस बिलीफ है, उसके हिसाब से हम जीवन को जिया करते हैं. कॉज, कॉज मतलब बिकॉज. बिकॉज का ये मैसेजिंग टाइप का वर्ड लिखा उन्होंने, बिकॉज को कॉज लिखा है ऊपर, जस्ट यू, यू की स्पेलिंग लिख दी, लेटर लिख दिया यू, जबकि होता है वाई ओ यू. सो ये एक इनोवेशन किया है कवि ने. नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी वर्क एज ए टीम. वी लिव बाय आवर क्रीड Because we believe, क्योंकि हमें विश्वास है. क्या विश्वास है? That we are the future, क्योंकि हम इस देश का भविष्य हैं, हमसे ही भविष्य बनने वाला है. ये first stanza था. इसके बाद second stanza देखिए, We have the power, we have the strength, हमारे अंदर शक्ति है. संख्या बल को strength भी कहते हैं. तो हमारे पास एकता है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है. वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ. काई के लिए, वी विल फिनिश द रेस नो मैटर द लेंथ. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेस कितनी लंबी है, हम उसको फिनिश करेंगे. यहाँ रेस से मतलब कोई दौड़ नहीं है. कोई भी काम है, कोई भी गोल है, कोई भी लक्ष्य है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, हम उसको प्राप्त करने में पूरी ताकत लगा देंगे. हमारे पास शक्ति है, उसको हम कर सकते हैं.
कितना भी बड़ा कार्य हो, नो मैटर द लेंथ से मतलब कितना बड़ा कार्य हो, वी विल फिनिश द रेस, वी वर्क टूगेदर, हम साथ साथ काम करेंगे, अ टीम एज ए होल, एक टीम की तरह, संपूर्ण टीम की तरह हम काम करेंगे, टूगेदर मतलब साथ साथ, एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, हम हर चुनौती को स्वीकार करेंगे, एवरी एम एंड एवरी गोल, हर लक्ष्य को, हर उद्देश्य को हम स्वीकार करेंगे और उसे प्राप्त करने की हमारे अंदर शक्ति है, वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ। तो एक बार फिर से देख लें ऊपर से, नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी, तो ये वी प्रोनाउन जो है हम सबको एक एकता के सूत्र में बांधता है। जब हम कहते हैं मैंने काम किया तो विभाजन हो गया, डिवाइडेड हो गया, डिवाइडेड वी फॉल। सो द पॉइंट इज सेइंग नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी, we work as a team, 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 you know, cricket team, football team, how they play, you know, they play together, they play as a team, that is why they are able to defeat the opposite team, दूसरी टीम को तभी हरा पाते हैं वो, जब वो टीम की तरह काम करते हैं। टीम का मतलब ही होता है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़े। we live by our creed cause we believe that we are the future, हम भविष्य हैं ऐसा हमें विश्वास है और हम अपने सेट प्रिंसिपल्स और रिलीजियस बिलीव के साथ जीवन जिया करते हैं। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारे अंदर शक्ति है, संख्या बल है। वी विल फिनिश द रेस, वी विल अचीव एनीथिंग, वी विल डू एनी काइंड ऑफ टास्क, नो मैटर द लेंथ, नो मैटर, It doesn't matter whether the task is hard, task is so difficult, कुछ भी नहीं, कैसा भी हो task, हम उसको प्राप्त करेंगे, because we work together, क्योंकि साथ साथ काम करने वालों की जीत होती है, a team as a whole, accepting every challenge, हर चुनौती को स्वीकार करेंगे, every aim and every goal, हर लक्ष्य को, हर उद्देश्य को, we are the future, क्योंकि हम भविष्य हैं। इसके बाद हम थर्ड स्टेंजा की ओर जाते हैं। थर्ड स्टेंजा में देखिए, द फ्यूचर इज अनोन, इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड, फ्यूचर नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग दैट द फ्यूचर इज अनोन, फ्यूचर इज अनोन, अनोन, नोन मतलब जाना हुआ, अनोन मींस You don't know about it. It's a story untold. एक ऐसी कहानी है जिसको अभी सुनाया नहीं गया है. It's a story untold. So future, nobody knows about it. The future is unknown. It's a story untold. It's a movie. Movie no film. Movie जो हम देखते हैं सिनेमा घर में, टीवी पर movie. ये एक ऐसी movie है. Future is just like a movie. कैसी movie है? Unseen, that we have not seen so far, जिसे हमने अब तक नहीं देखा है। The future is unknown, it's a story untold, it's a movie unseen to be made by you and me. Who is going to make the movie of future? Who is going to make the story of future, which has not been told so far, which has not been seen so far? भविष्य की कहानी, भविष्य का की मूवी अभी तक किसी ने देखी नहीं है, बट इट इज मेड बाय यू एंड मी मिलकर बनता है वी, तो हमारे द्वारा वो कहानी बनाई जाएगी, हमारे द्वारा वो मूवी बनेगी, भविष्य देश का हम संवारेंगे, हम हैं देश का भविष्य। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, आवर फ्यूचर इज ब्राइट, पीपल मे से एनीथिंग बट यू नो doesn't matter, we know if we work together, agar hum saath saath kaam karenge to 100% our future is bright, you know one saying, ek kahavat main aapko sunata hu, kaha jata hai ki yesterday is history, tomorrow is mystery, yesterday is history matlab kal itihas ban chuka hai, tomorrow is mystery matlab aane wala kal रहस्य है, nobody knows about it, but today
टुडे इज अ गिफ्ट, टुडे इज अ गिफ्ट, आज जो है वो उपहार है फ्रॉम गॉड, ईश्वर का हमारे लिए उपहार है कि आज हम हैं। वट एवर वी कैन डू डू टुडे, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो आज करो। सो टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। और प्रेजेंट का एक मीनिंग उपहार भी होता है। तो यही बात यहां कही गई है कि नो मैटर व्हाट दे टेल यू, आवर फ्यूचर इज ब्राइट। फ्यूचर ब्राइट तभी होगा इफ यू आर वर्किंग हार्ड इन द प्रेजेंट, अगर वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, इफ यू आर गिविंग योर 100% इन द प्रेजेंट, डेफिनेटली सर्टेनली योर फ्यूचर शैल बी ब्राइट, आपका भविष्य 100% सुनहरा होगा। वी विल फेस एवरी हर्डल, हर्डल मीन्स लिखा हुआ है, हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स, इनको बाधाएं कहते हैं हम। वी विल फेस एवरी हर्डल, वी विल क्लाइंब अप द हाइट, कोई भी बाधा हो, कितनी भी ऊंचाई हो, यानी कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, वी विल बी एबल टू फेस एवरी चैलेंज, एवरी हर्डल, एवरी ऑब्स्टिकल, तो हम हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद क्यों करने को, बिकॉज वी आर द फ्यूचर, क्योंकि हम भविष्य हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है, लास्ट है, फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स हियर वी हैव कम। देखिए लोग शहरों में, अलग अलग शहरों कस्बों से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, उसी सेंस में कहा है, फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स हियर वी हैव कम टुगेदर एज वन, साथ साथ एक एक बॉडी के रूप में, एक टीम की तरह, टू बिल्ड अ नेशन, हम अपने देश का निर्माण करेंगे, उसका विकास करेंगे। यंग विमेन एंड मैन वॉकिंग हैंड इन हैंड, वॉकिंग हैंड इन हैंड का मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करना, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे देश के युवक और युवतियां जब साथ साथ मिलकर काम करेंगे तो 100% वी स्टैंड बाय आवर क्रीड, हम अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहेंगे और हमें गर्व होगा उस समय, प्राउड टू बी इंडियंस, भारतीय होने का, बिकॉज वी आर द फ्यूचर। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी जो हमने आपको बताई, इस पोएम से जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ये पोएम की लाइनें आपकी वर्कबुक जो 12th क्लास की है उसमें दी गई है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, आंसर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोएम फ्रॉम द वर्कबुक। क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन से लिया मैंने, व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, एक टीम को संपूर्णता क्या चीज प्रदान करती है, कि ये टीम संपूर्ण टीम है, होल है। तो पता है जब साथ साथ काम करते हैं टीम, टीम के सारे सदस्य मिलकर काम करते हैं और उसकी जो पावर होती है साथ साथ काम करने की, वही टीम को होल बनाती है, होल मतलब संपूर्ण, संपूर्णता प्रदान करती है उसको। आंसर में आप देखिए, द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल, यानी कि लोगों की जो शक्ति है, संख्या बल है, जो साथ साथ काम करते हैं, वही एक टीम को होल बनाती है। आप देखिए क्वेश्चंस में से मैंने लिखा मेक्स अ टीम अ होल, इतना क्वेश्चंस में लिखा है, व्हाट के स्थान पर मैंने लिखा द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर, द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर, इसके बाद मेक्स अ टीम अ होल। तो क्या चीज बनाती है, लोगों की एकता, लोगों की शक्ति, जो साथ साथ काम करते हैं वही टीम को संपूर्णता प्रदान करती है। इसके आगे क्वेश्चन थर्ड है, उसमें कहा गया था पोएम में, वी विल फेस एवरी हर्डल, हम हर चुनौती का सामना करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ हर्डल्स द पोएट थिंक्स अबाउट, कभी कौन सी समस्याओं के बारे में विचार कर रहा है। आप देखिए द पोएट थिंक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स विच मे अराइज इन फ्यूचर, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने जो भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में कवि कह रहा है, हर्डल शब्द का इस्तेमाल करके, कोई भी बाधा आए, कोई भी चुनौती आए, कोई भी समस्या आए, हम उसका सामना करेंगे।
तो यहां कभी का मतलब हर्डल से क्या है, वो हर्डल से मतलब यही है कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए देश के विकास में, उसका हम सामना करेंगे, उन्हीं समस्याओं की बात कर रहा है जो भविष्य में खड़ी हो सकती हैं। द पोएट थिंक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच मे अराइज इन फ्यूचर। क्वेश्चन 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। अगर हमने सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, और इसका आंसर है इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। इतना क्वेश्चंस में से लिख लिया मैंने, आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, हमारा भविष्य चमकदार होगा, सुनहरा होगा। वी विल फाइंड आवरसेल्व्स ऑन द टॉप, और हम जो है बहुत ऊपर खड़े होंगे, हमारी स्थिति बहुत ऊंची होगी, हम अपने आप को बहुत आगे पाएंगे, बहुत ऊंचाई पर पाएंगे, अगर हमने भविष्य में आने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं उन्हें सफलतापूर्वक उनका सामना किया तो हमारा भविष्य फ्यूचर इज ब्राइट एंड वी विल बी एट द टॉप, और हम बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अ नेशन, हम अपने देश का निर्माण करने के लिए, वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अ नेशन, हम अपना देश का निर्माण करने के लिए कहां से आए हुए हैं। आंसर देखिए, वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड आवर नेशन, वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड आवर नेशन, हम अपने देश का निर्माण करने के लिए अलग अलग शहरों और कस्बों से आए हुए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट वी आर proud to be Indians, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, और इसका आंसर देखें, we can say that we are proud to be Indians because we have come from different cities and towns to work together to build our nation, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं, वी कैन से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, क्योंकि वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स, हम अलग अलग शहरों कस्बों से आए हैं टू वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करने के लिए, टू बिल्ड आवर नेशन। अब हम आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही के 3-4 वर्ष के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें वर्कबुक से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर जो है किसी पोएम का, वर्कबुक की किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया या समरी पूछी जाती है। तो इस पोएम का, वी आर द फ्यूचर, इस पोएम का की समरी भी हम सीखेंगे, क्योंकि वो 4 नंबर में आ सकती है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th, तो उस क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, समराइज द पोएम We are the future in about 80 words. अब यहां एक बात ध्यान रखने की है कि ये 80 words में लगभग लिखने के लिए आता है, अथवा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, Write down the central idea of the poem We are the future. इसका central idea, केंद्रीय भाव क्या है इस poem का, इस प्रकार से भी ये question पूछा जा सकता है। तो हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया है कि अगर आपने 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लिया है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को इसमें जोड़ते जाएंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैंने किया है, शुरू में एक लाइन जोड़ी है, बीच में कुछ फ्रेजेस जोड़े हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस वही हैं, तो आपको याद करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लिए तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। आप देखिए मैंने इसका आंसर किस प्रकार से स्टार्ट किया है, द पोएम वी आर द फ्यूचर बाय सोनिया शिरसर इज अ वेरी सिंपल एंड इंस्पायरिंग पोएम, ये लाइन हमने जोड़ी।
द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, इतना मैंने जोड़ा हुआ है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहां ऐड कर देंगे दैट के बाद। समझिए, केवल इतना याद करना अभी, द पोएम, वी आर द फ्यूचर, इसमें याद करने में कुछ है ही नहीं है क्योंकि पोएम ही वी आर द फ्यूचर है, तो द पोएम वी आर द फ्यूचर, उसमें पोएट का नाम बाय सोनिया शीर्षक, इज अ वेरी सिंपल एंड इंस्पायरिंग, बड़े ही सरल और प्रेरणादायी कविता है। ये लाइन हमने जोड़ी है, इसके बाद हमने जोड़ा है द पोएट सेज दैट, और दैट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जोड़ दिया मैंने, दैट द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। इसके बाद ये नई लाइन मैंने जोड़ी है कि फर्दर द पोएट सेज दैट वी कैन एक्सेप्ट एवरी चैलेंज एम एंड गोल। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐड किया हुआ है बीच में, उससे पहले मैंने जोड़ा द पोएम वी आर द फ्यूचर बाय सोनिया शीर्षक इज अ वेरी सिंपल एंड इंस्पायरिंग पोएम। इसके बाद जोड़ा मैंने द पोएट सेज दैट द पावर एंड द स्ट्रेंथ, यहां से जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर जोड़ा हुआ है, द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। इसके बाद ये लाइन मैंने और जोड़ी है, फर्दर द पोएट सेज दैट वी कैन एक्सेप्ट एवरी चैलेंज एम एंड गोल। तो दो स्टेटमेंट हमने जोड़े। इसके बाद देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है, आई थिंक, इफ We face all the hurdles successfully, our future will be bright, we will find ourselves on the top. समझिए, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ था, फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैंने ऐड किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐड किया, फोर्थ ऐड किया, उसमें दो सेंटेंस अपनी तरफ से ऐड किए हैं अभी, तो वो दो अगर याद हो गए तो उन दोनों को आप यहां बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ऐड किया और ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऐड किया है, इफ वी फेस ऑल द हर्डल सक्सेसफुली आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट वी विल फाइंड आवरसेल्व्स ऑन द टॉप। अब लास्ट में इन द एंड द पोएट सेज says that के बाद in the end the poet says that के बाद जो question number 6 था proud to be Indians वाला, उसको add कर दिया है last में और आपकी इस poem की summary बन गई, चार number आपके पक्के हो जाएंगे। says that we are proud to be Indians because we have come from different cities and towns to work together to build our nation. तो आप समझिए कितना आसान है आंसर बनाना, to build our nation. तो फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा, summarize the poem we are the future in about 80 words. तो सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वी आर द फ्यूचर, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक बार फिर से सुन लें और समझ लें कि मैंने किस प्रकार से इसको बनाया है ताकि आप आसानी से याद कर लें। सबसे पहले ये लाइन मैंने जोड़ी, क्या जोड़ी, द पोएम वी आर द फ्यूचर बाय सोनिया शीर्षक इज अ वेरी सिंपल एंड इंस्पायरिंग पोएम। The poet says that, यहां तक मैंने जोड़ने के बाद हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको ऐड किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल, द पावर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल।
होल के बाद मैंने जो है एक लाइन अपनी तरफ से फिर जोड़ी, फर्दर द पोइट सेज दैट वी कैन एक्सेप्ट एवरी चैलेंज एम एंड गोल। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसका आंसर, सॉरी फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो जोड़ा, इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, वी विल फाइंड आवरसेल्व्स ऑन द टॉप, इन द एंड द पोएट सेज। यहां मैंने लास्ट जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर जोड़ दिया, इन द एंड द पोएट सेज दैट We are proud to be Indians because we have come from different cities and towns to work together to build our nation. तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमने छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लिए तो हम ये चार नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो भी हमारा आसानी से याद हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न पहले याद कर लें और इसमें जो नए सेंटेंस हैं वो आप याद कर लें, बाकी उन्हीं क्वेश्चंस के सेकंड फोर्थ और सिक्स क्वेश्चंस के जो आंसर्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो आप ऐड कर देंगे। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ यहां पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।